तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं। और प्यारे बच्चों, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो सकते हो। यहां पे मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। आप ऐसा समझ जाओ कि शिवम भैया का जलवा है और नवोदय का पेपर आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये क्या है कि मैंने रिकॉर्ड किया था, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो बैकग्राउंड से मैंने आवाज़ दिया है, तो थोड़ा सा मतलब आप मैनेज कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ फुटेज वगैरह ऊपर से लगा दूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। वैसे आखिरी में आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है, तो आप देख सकते हो वीडियोज़ को पूरा अच्छे से, पूरा प्रॉपर अच्छे से आप देखना। सारी चीज़ें इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस जो होता है किसी भी एग्ज़ाम का जो होता है ऋण होता है। यानी अगर आपने सिलेबस को सिर्फ अच्छे से समझ लिया है, यानी पूरे एग्ज़ाम को समझ जाओगे, सिलेबस इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी एग्ज़ाम, तो आपको सिलेबस को एकदम अच्छे से पढ़ना है। अब सिलेबस आप कहाँ से पता करोगे, तो मैंने अपना भी वीडियो अपलोड कर दिया है सिलेबस पे, आप जाकर के जेएनबी पाठशाला पे मेरी वीडियोज़ देख सकते हो सिलेबस से रिलेटेड। और इस बार सिलेबस में कई सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इस बार बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है ही नहीं आप लोगों में। प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना होता था, इस बार का जो नवोदय विद्यालय का सिलेबस है उसमें बस बोला गया है कि आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस पता करना है। प्रॉफिट और लॉस इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ऐसे ही कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, इस बार न्यू चैप्टर ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जाकर के मेरे सिलेबस वाले वीडियो में अच्छे से देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इस बार जो आप लोगों का पेपर होगा, आपको पता ही है इस बार आप लोगों का पेपर भी बहुत जल्दी हो रहा है, जैन में भी हो रहा है, जैन में ही हो रहा है। और साथ ही साथ इस बार आप लोगों का फॉर्म भी बहुत पहले भरा जा रहा है और सिलेबस भी अपडेट किया गया है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, जो हर साल नवोदय विद्यालय में होता है उससे ये सारी चीज़ें अलग है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। अगर आप देखो, आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो आप यकीन मानो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और साथ ही साथ कोई भी बुक अगर आप खरीदते हो नवोदय विद्यालय के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही सिलेबस मिलता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। और खास करके जब भी आप कोई बुक खरीदते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी दी रहती है, तो उसको भी आप पढ़ लेना। क्योंकि देखो, आप नवोदय विद्यालय के अलावा भी कोई दूसरे एग्जाम वगैरह देते हो, जैसे सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल या किसी भी अदर कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। और रहा बात की जब मैं आपको सिलेबस बता ही रहा हूँ, तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं किया गया, सेम वही है। आप लोगों के 80 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का, यानी आपका जो होगा क्वेश्चन पेपर, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, गणित के, और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से। अगर आपने हिंदी में भरा है तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में भरा है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, अगर आपने किसी रीजनल लैंग्वेज में भरा है तो वहाँ से। अब हिंदी और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इसमें क्या होता है कि हिंदी में कई बार, हिंदी और इंग्लिश में जब आप पैसेज पढ़ते हो, तो उसमें से कुछ चीज़ें विलोम और पर्यायवाची भी पूछ लेती है। अगर आपने मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखा होगा या जब आप देखोगे, तो उसमें इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो वहाँ पर आप जब देखना, तो वहाँ पर उस चीज़ को आप देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में उन सारी चीज़ों को समझाया हुआ है कि कैसे कैसे मतलब विलोम पर्यायवाची पूछे जाते हैं, किस टाइप से सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो उसको जाकर के आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पर। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, आपके शिवम भैया फिर वापस आ गए हैं नवोदय विद्यालय 2024 के लिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बुक लेकर के, ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और इस बुक में आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं, पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है, आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के चैप्टर, रीजनिंग के, और जो भी लैंग्वेज है उसकी सारी चीज़ें दी गई हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको स्पेशल प्रैक्टिस सीट भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, सारी चीज़ें एक कंप्लीट बुक में। और इस बुक के साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इसका प्रैक्टिस सीट भी खरीदना, इसको भी आप खरीद सकते हो। दोनों चीजें खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाकर के चक्षु पब्लिकेशन नवोदय विद्यालय सर्च करना है और आपको बुक मिल जाएगा। आप 2024 वाला लेटेस्ट पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर के डायरेक्ट भी वहां से परचेज कर सकते हो। आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी, लाइक सिलेबस बता ही दिया, आप लोग के एग्जाम के बारे में बता ही दिया, एग्जाम पैटर्न बता ही दिया। लेकिन एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है बच्चों के पास कि भैया हम तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ाई करें। देखो, इसके लिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही पढ़ाई करना चाहिए। अगर आपके एरिया में कोई भी कोचिंग वगैरह कराता है कोई भी टीचर, तो आप कोशिश करो कि ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करो। ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेहतर होता है आपको प्रिपरेशन के लिए।
और ऑनलाइन में जो रिसोर्सेस है जैसे कि मेरा वीडियोज हो गया या किसी भी अदर यूट्यूबर वगैरह के वीडियोज हैं, उसको आप एज अ गाइडेंस देखो, एज अ रिवीजन की तरह देखो, या कुछ नॉर्मल टिप्स ट्रिक के लिए देखो। देखो ऐसा हो सकता है कि कई बार ऑफलाइन में आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएँ कई बार अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, कई सारे एरिया में नहीं पढ़ाया जाता हुआ कोचिंग, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे एरिया में होता है। अगर ऐसा सीन है तब जा करके ही आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को करो, क्योंकि अभी क्या है कि आप बहुत छोटे हो, अभी से ही आप बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे करने लगोगे, फ़ोन पे ही लेक्चर वगैरह देखने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको ऑफलाइन में टीचर मिल जाते हैं तो आप ऑफलाइन में ही अपनी तैयारी करो, अगर नहीं मिल पाते हैं तभी आप ऑनलाइन शिफ्ट हो, और ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेस, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल से कर सकते हो या दूसरे किसी के भी चैनल से कर सकते हो, जहाँ भी आपको चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से आप एकदम अच्छे से करो। सो प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि भैया हम स्कूल भी पढ़ते हैं तो कैसे मैनेज करें। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको बैलेंस करना है, सारी चीज़ों को रिलेट करना है, आप जो स्कूल में पढ़ते हो उस नॉलेज को भी कोचिंग में लगाना है, यानी जो आप नवोदय के लिए करते हो, जो नवोदय में पढ़ते हो, अगर आप स्कूल वगैरह में जाते हो तो नवोदय का बुक लेकर के जाओ, अपने दोस्तों के पास बैठो, दोनों लोग मिल करके कोई रीजनिंग सॉल्व करो, लो कोई एक मॉडल सेट सॉल्व करो, इस टाइप से करो, चीज़ें वहीं पर पढ़ो, मतलब स्कूल को भी आप मतलब अपने फायदे के लिए यूज करो, वहाँ पर भी पढ़ो अच्छे से, क्योंकि देखो स्कूल में भी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उसका भी यूज होगा आपके एग्जाम में, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह आप जो पढ़ते हो उन सारी चीजों का बहुत यूज होगा। यार भाया उधर नहीं यार, इधर फोकस करो। अरे उधर नहीं यार, चींटियों को छोड़ो यार, मेरे पे फोकस करो यार। हाँ हाँ अब आया, मेरा कैमरामैन थोड़ा फटक गया था यार, अब क्या बोलना था मुझे। तो प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ पे आपको मैंने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें बता दी, आपको एक ज़रूरत पड़ेगी बुक की। देखो एक गाइड वगैरह होना चाहिए आपको प्रॉपर पढ़ने के लिए, तो अब जब भी बुक खरीदना बुक के साथ एक प्रैक्टिस एड भी खरीद लेना, दोनों चीज़ें कंबाइन खरीद लेना अच्छे से। अब जो मैंने स्पॉन्सर किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ से जाकर के आप बुक को परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कोई भी अगर आपके एरिया में दूसरा बुक भी मिलता है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो देखो प्यारे बच्चों, आप जो बच्चे हो अभी आप फिफ्थ, तो देखो अभी आपका क्या है कि आप बहुत छोटे हो, अभी आप फिफ्थ क्लास वगैरह में हो और भी अभी से आपको प्रिपरेशन करना है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि भैया हम स्कूल के लिए अलग से पढ़े, इसके लिए अलग से पढ़े, नहीं दोनों को कंबाइन करके पढ़ो, क्योंकि स्कूल में भी आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ पे बस आपको सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप कोशिश करो कि मैथ वगैरह जो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वहाँ से आपको क्लास फिफ्थ की बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ हो जाएंगी, और जितनी बेसिक जानकारी आप क्लास फिफ्थ का जो बुक है जो भी लगता है मैथ में उसका कोशिश करो कि दो तीन महीने में ही कंप्लीट करने की, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कोई भी आप एग्जाम वगैरह दोगे तो, और साइंस वगैरह भी ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर आप दूसरे एग्जाम वगैरह दोगे तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और हिंदी इंग्लिश भी आप स्कूल में अच्छे से ही पढ़ना, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश में जो व्याकरण वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि पैसेज पढ़ करके पैसेज से जो आंसर देना होता है वो तो बच्चे दे लेते हैं, लेकिन जो विलोम पर्यायवाची एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह आते हैं उसमें बच्चों को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ नवोदय वगैरह की ही तैयारी करते हैं, वो स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको स्कूल वगैरह में भी अच्छे से पढ़ना है, बैलेंस करके रखना है, दोनों को कोरिलेट करके रखना है। देखो नॉलेज को क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि एक डॉट से दूसरे डॉट को जोड़ना होता है, सारे डॉट को लिंक कर दो, पढ़ाई में भी आपको यही चीज़ करना है, कोई एक टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक से लिंक कर दो, किसी तीसरे टॉपिक से, सबको एक करके, सबको एक से जोड़ करके, एक दूसरे से जोड़ करके, इकट्ठा करके फिर पढ़ो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, सारी चीज़ें आपके पास ही रहे, तो इस टाइप से काफ़ी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको स्कूल वगैरह में भी अगर जाते हो, क्लासेस वगैरह खाली होती है, नवोदय की बुक वहाँ पे भी ले जाओ, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके रीजनिंग वगैरह सॉल्व करो, मैं तो ऐसे ही करता था, नहीं तो कोई मॉडल पेपर खोल लो और आप टाइमर लगा लो, मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करो, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर करके पढ़ो, पढ़ाई को बहुत सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो, अभी से आप लोग ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्पिटेटिव माहौल है, अभी तो देखो अभी मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ कोटा से कर रहा हूँ, आप समझ ही सकते हो मैं इतने कॉम्पिटेटिव माहौल में हूँ, फिर ये बातें आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपका ये फर्स्ट एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर हो ले लोगे, डिप्रेस हो जाओगे तभी हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, चिल हो करके अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, कोचिंग वगैरह करो, सारी चीज़ें टाइम से करो, जो वर्क वगैरह मिले उसे कंप्लीट करो, जो इस वीडियोज वगैरह में बताई जा रही उन सारी चीज़ों को फॉलो करो, बाकी आपकी सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा, और बाई चांस मान लो कई बार कॉट ऑफ वगैरह में इधर उधर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, जो वहाँ से आप नॉलेज गेन करोगे बहुत आगे तक काम आएगा, आप नवोदय वगैरह की तैयारी कर लोगे तो आपको क्लास 7 6 8 तक कोई भी मैथ वगैरह में दिक्कत ही नहीं होगी।
आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आप कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा हो जाओगे। आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी कि कैसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे हमको रूटीन बनाना होता है, कैसे सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंस होता है, एग्जाम पैटर्न का कितना इंपॉर्टेंस होता है, इन सारी चीज़ों को आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से फॉलो करना, और कोई भी दिक्कत होता है तो आपके शिवम भाई आए, नीचे कमेंट करना, चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेएनवी पाठशाला आपको हर एक चीज़ में गाइड करेगा नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन के लिए। आप सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल वगैरह के लिए भी जुड़ सकते हो। सारी चीज़ों के लिए आपको ये चैनल बहुत बेहतरीन है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास वगैरह शेयर करना, अपने घर परिवार में भी शेयर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।